हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया हो। हम तो ठीक हैं गाइज। ये वीडियो बेटियों के लिए है, और बेटियों के लिए तो है ही, बट ये भाई और पिता को ज़रूर देखनी चाहिए। और रक्षाबंधन करीब आ गया है। हैप्पी रक्षाबंधन माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं एक बेटी हूँ। लोग कहते हैं कि तुम क्या करोगी कमा के, तुमको तो बस काम करना है। क्या करेगी तू पढ़ के, क्या करेगी लिख के, लैपटॉप मंगा के? 2-4 साल बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी। पति देगा ना कमा के, अपने पैरों पे खड़े होके क्या करोगी, क्या करोगी? बाहर जाके पति टहलाएगा ना? तो आप लोग टहल घूम सकते हैं, तो क्या बेटी नहीं टहल घूम सकती क्या? ये क्यों कहते हो कि पति कमा के देगा? पैसे तो पति दे देगा, पिता दे देगा, भाई दे देगा, पर उसको एक चीज़ कौन देगा? वो है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। वो कहाँ से उसको मिलेगी? वो अपने पैरों पे खड़े होने वाला सपना उसका कैसे पूरा होगा? वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहती है, वो कैसे जिएगी? जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक वो कैसे आगे बढ़ेगी? ये जो बेटे हैं ना, कोचिंग करते हैं, हर जगह कोचिंग करते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज जाते हैं, फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। वहीं पर बेटियाँ जो हैं, चार दीवारियों में बैठ के टॉप पर जाती हैं। बहुत सी लड़कियां हैं जो टॉप कर जाती, कोचिंग जाने को नहीं मिलता उनको, बट घर में केवल स्कूल की पढ़ाई से घर में पढ़ पढ़ के ही वो टॉप कर जाती हैं। और बेटे नहीं कर पाते, बहुत से बेटे नहीं कर पाते। उसी घर की बेटियां कर जाती हैं, बट बेटे नहीं कर पाते। क्यों? तो यही देख के कम से कम बेटियों को पढ़ाइए और उनको आगे बढ़ने दीजिए। आप लोगों के बेटे तो 200 रुपये का पेट्रोल हर रोज़ बाइक में उड़ा देते हैं टहलने घूमने में, वहीं पे बेटियाँ 200 रुपये की किताब मांगने के लिए हिची जाती हैं कि मुझे किताब के रुपए चाहिए 200 रुपये। अगर जो वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, नहीं मांगती हैं कि चाहे, कम से कम प्लीज़ उनको आगे बढ़ने दीजिए, उनको पढ़ने दीजिए, उनके सपने पूरे करने दीजिए। वो जो करना चाहती हैं उन्हें करने दीजिए। ये जो इनको आप बेटियों को 1,000, 500, 200 रुपए देते हो, कभी उनसे दिल से पूछो कि इनको भीख तो नहीं लगती? बेटे को तो हर रोज़ दे दी जाती, दे देते हो आप सब लोग, और बेटी को महीने में एक बार दे दी, हिसाब से काम चलाना है। और 1 रुपया पूछते हो, क्या किया 1 पैसे का, क्या किया 2 पैसे का? 50 रुपये वहाँ किए, 50 बचे होंगे, 100 खर्च किए, 100 बचे होंगे। बेटों से तो नहीं सवाल किया जाता है। हमारा भी दिल करता है कि हम बाहर जाके ये सामान ले लें, बट ऐसा नहीं होता। हमें बताना पड़ता है कि हमने ये सामान ली है, इतने रुपए यहाँ पे खर्च हुए हैं। क्यों बेटियों के साथ ही ऐसा क्यों? अगर जो ऐसा करना है, अगर जो बेटों के साथ भी ऐसा करो, तो हाँ लगे कि बेटी बेटे में कोई फ़र्क नहीं है, बट आप लोग ऐसा नहीं करते। डियर पेरेंट्स, कि जो आपकी बेटियाँ हैं ना, चलती कूदती चहचहाती हैं, ये किसी दिन किसी घर की काम बनके काम करने वाली ही रह जाएंगी, और ये अपनी प्रॉब्लम कभी भी आपसे नहीं शेयर करने वाली, क्योंकि ये नहीं चाहती कि हमारे घरवाले कभी रोएं। आप लोग, आपके बेटे 1,500 में गुजारा नहीं कर पाते, बेटी कैसे किसी दूसरे के घर में गुजारा कर पाएगी 2 हफ्ते में 1,500 मिलने की? कभी उससे पूछा ये सवाल किया है? तो प्लीज़ उनको पढ़ने दीजिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। वो कहानी सुनने के बाद शायद आप लोग कभी भी अपनी बहन या बेटी से ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे। एक बेटी होती है, मतलब एक लड़की होती है, तो उसकी मम्मी का बर्थडे होता है, तो वो अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी आप क्या लोगी? तो मम्मी कहती है, बस तुम लोग खुश रहो। फिर उसका बेटा बोलता है, नहीं मम्मी बताओ आप क्या लोगी? तो वो बेटी भी कहती है कि बताओ ना मम्मी, सब लोग लेते हैं, आप भी कुछ लीजिएगा। तो सब लोग कहते, बेटा कहता है ये दूंगा माँ, कोई कहता है कि राजा महाराजा वाली कुर्सी दूंगा, हमने अपनी अपनी चीज़ें बताई। फिर बेटी लास्ट में हंसते हुए बोली, मम्मी मैं आपको कार दूंगी। तो पता है भाई ने क्या जवाब दिया? भाई ने कहा, जो दे नहीं सकती वो बोलती क्यों हो तुम? मैं अपनी सैलरी उड़ा दूंगा 1 महीने की, तुम क्या उड़ाओगी? तो बेटी ने जवाब दिया कि आप 1 महीने की उड़ाओगी तो मैं 1 साल रुपए इकट्ठे करके उड़ा दूंगी। तो भाई ने कहा, नहीं तुम 1 साल में भी नहीं दे सकती। इस वक्त उस पर क्या गुजरी होगी, कभी सोचा है? प्लीज भाइयों, अपनी बहनों से ऐसे मत बोला करो। वहाँ पे भाई ये भी बोल सकता था कि कोई बात नहीं, नहीं 1 साल में तो 2 साल में 3 साल में इकट्ठे करके तुम ला दोगी, मेहनत करो बस, ला के दे सकती हूँ, हमसे भी अच्छा कर सकती हूँ।
लेकिन डायरेक्ट बोल दिया, तुम कहाँ से उड़ाओगी, तुम्हारे पास क्या है? उनके पास सैलरी है, हमारे पास कुछ नहीं है, बेटियाँ कहाँ से उड़ाएंगी? बात तो बहुत बड़ी है, इसको समझ में आई होगी वो आज के बाद अपनी बहनों से ऐसे नहीं बोलेगा, ना कोई पिता अपनी बेटी से ऐसे बोलेगा। आई होप कि सबको समझ आ गई हो। रक्षाबंधन आने वाला है, 22 अगस्त को है, आज 14 अगस्त है। भाइयों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी बहनों को रक्षाबंधन पे कोई गिफ्ट भले ही ना देना, बट अपनी बहनों को एक वचन जरूर देना कि मैं तुम्हारे सपने पूरे कराऊंगा, तुम जैसे पढ़ना चाहती हो वैसे पढ़ाऊंगा, तुम्हें भी जीने का हक दिया जाएगा, तुम्हारा टहलने का मन करता है तुम टहल के आओ, बस अपना ख्याल रखना, जैसे हम टहलते हैं वैसे तुम भी टहलो, तुम्हें भी फ्रीडम होने का पूरा सपना दिया जाएगा, वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकती हो। और बहनों सुनो, अगर जो वचन लेने को कहा जाए ना तो ले जरूर लेना, इसे प्रॉमिस करवा लेना कि वचन से कभी मुकरे ना, राखी तभी बांधना जब भाई वचन दे दे। रक्षाबंधन आने वाला है, भाइयों पिता लोगों बहनों सब लोग अपना वचन मांग जरूर लेना। हैप्पी रक्षाबंधन माय डियर, सब लोग अपना ख्याल रखें, बेटियों की रिस्पेक्ट करें, बेटियाँ बेटों से ज़्यादा अच्छी होती। मैं ये नहीं कहती बेटे ख़राब होते, बेटे जैसा भी काम बेटियां नहीं कर सकती, पर बेटियों की फीलिंग को भी तो समझना चाहिए, बेटों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बेटे भी ऐसे नहीं है कि वो फ्री में कुछ ले आया कर, उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनके सर भी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, बट उनके साथ साथ बेटियों की फीलिंग को समझना तो चाहिए ना। बेटे भी बहुत मेहनत करते हैं अपने माता पिता के लिए, अपनी बहन के लिए, हर चीज़ के लिए। बेटे भी ख़राब नहीं होते, बट उस हिसाब से फीलिंग सबकी समझनी चाहिए, खास करके बेटे, उन्हें बंद ना करें, कैद ना करें, उड़ने दें, वो सपने पूरे करके दिखाएंगे, वो हर वो काम कर सकती हैं जो बेटा कर सकता है। अगली वीडियो में गाइज मिलते हैं, बाय बाय, सी यू गाइज। रक्षाबंधन पे वचन जरूर ले लेना, और भाई लोग आप लोग ये जरूर देना, ये नहीं कि वीडियो देख लिया और कुछ नहीं किया, ध्यान रखना इस वीडियो का। बाय बाय, सी यू गाइज।